कोई बात नहीं मैं जाती हूं मम्मा को पीछे बैठा मम्मा को पीछे बैठा भाई बीच में आओ आप जो के मैं अरे बीच में आओ ना मेरी मां बीच का मतलब मम्मा बीच का मतलब होता है इधर अबे ओए मेरा व्लॉग है तेरा नहीं है ले लो ना नेक्स्ट वन मोस्ट नोटोरियस थिंग दैट पारितोष इज एविटा किस चीज से पारितोष भाई सबसे ज्यादा डरते हैं नहाने से ये दिल्ली वाली के बारे में आपको कुछ पता है क्या थोड़ा इंट्रो आपको करने कर दो हाँ बोलो बोलो इतना याद है देखते हाँ देखा आपने देखे कितने याद है ब्लॉग देखते भी हो कभी लाइफ में भी नहीं मंडे ट्यूसडे व्हाटएवर डे इट इज और So what is up guys, I hope you're having a great great day, I hope you're having a cracker episode, whatever day you're living. My name is Paritosh Anand, you already know it's Dal. That this you vlogs. And we're here today, we're doing a very special video. देखो ऐसा है ना कि ये और मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकते. अच्छा. हाँ बिल्कुल. इसको तो बात ऐसी है कि पिछले हफ्ते आया था मैं अपने सारे टूर वगैरह निपटा के और घर में आते ही दूसरे दिन हो गया था हमारा एक्सीडेंट जिसमें हमारे पूरे बदन में लगी थी चोटें. ठीक है. अब तारे लपेटे हुए बदन के घाव तो ठीक हो जाते हैं पर दिल में लगे घाव को कौन ठीक करेगा. ये हाँ. तो हमारा ये था कि भैया दो हफ्ते अब घर पे है ही है तो एक वीडियो बनाते हैं अपनी माँ के साथ क्योंकि जब माँ के साथ वीडियो बनाते हैं तो थोड़े व्यूज मिल जाते हैं. हाँ जी. तो दिस वीडियो वुड बी अ क्यू एंड ए वीडियो. सो टू डेज अगो आई पोस्टेड दिस वन पर्टिकुलर पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम सेइंग दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी माद्रे शी विल बी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस इन अ वीडियो. ये है वो वीडियो एंड देयर वर मोर देन 150 क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम दैट वर पोस्टेड जिसमें से चूज करना काफी डिफिकल्ट था बट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे. हाँ अभी मम्मा को क्वेश्चंस नहीं पता. ठीक है. तो शी विल बी गेटिंग टू नो द क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम. इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन. इम्प्रॉम्प्टू इन इम्प्रॉम्प्टू इन इम्प्रॉम्प्टू इन टाइम इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोपम. चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 बाय गोविंद चरण. आंटी जी शादी कब करा रहे हो पारितोष भैया की. ताली नहीं बजानी आंसर देना है. ताली को बजाने के लिए बैठे आते हैं. किस चीज से पारितोष भाई सबसे ज्यादा डरते हैं. नहाने से. हाँ जी भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्वाति गुप्ता. शी आस्क्ड हाउ डज योर सन इंस्पायर यू. उन्हें इतनी औकात ही नहीं है उसकी. भाई आंसर नहीं है तो बोलो मैं आगे बढ़ूं. भाई सीरियसली आंसर दिया जाए तो इंस्पायर तो बहुत होती हूँ अपने बेटे से क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने बेटे में देखी है जिससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है. वो अपने क्या अपने पास्ट को भूल कर और उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख कर उस पर वर्क करता है और उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है. तो मैं समझती हूँ ये जो है बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी हैप्पी टू हैव यू एज हर चाइल्ड. एम आई हैप्पी. लड़की होती तो मजा लड़की होती कम से कम एक कप चाय तो पिलाती ना. चाय बनानी नहीं आती. चाय बनानी नहीं आती. मैगी मैगी खिला देंगे. चाय नहीं बनानी आती सिर्फ पैसे बनाने आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट क्वेश्चन. आंटी जी हाउ इट फील्स टू बी द मदर ऑफ अ सुपर टैलेंटेड बॉय एट आई एम पारितोष आनंद. लड़की होती तो मुझे हर आधे घंटे बाद नींबू पानी मिलता है. हम नींबू पानी नहीं बनाते. हम सिर्फ चीनी का थोड़ा. हम सिर्फ पैसे बनाते हैं. माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन पारितोष वाज फर्स्ट बॉर्न. क्या करना है इसका. अरे ये क्या गलती हो गई. इसका इसका क्या करना है. एक तो होनी चाहिए. क्या लड़की. नेक्स्ट क्वेश्चन. हले तेरी तेरी भी है समझ आ रही है. मम्मा इसकी गर्लफ्रेंड है. इसकी है. इसकी असली में लड़की लड़की है इसकी गर्लफ्रेंड. पारितोष ने सबसे ज्यादा गुस्सा कब दिलाया था आपको और सबसे ज्यादा प्राउड फील कब करवाया था. गुस्सा तो हर रोज दिलाता है. हर रोज दिलाता है. जैसे इसको भूख लगती है ना तो वो स्नीकर्स वाला ऐड आता है ना कि यार तेरे को भूख लगती है तो तू क्या बन जाता है. ये हर जब इसको भूख लगती है ये वही जानवर इसका बाहर आ जाता है. आंखें छोटी छोटी हो जाती है. नाक मोटी मोटी और मोटी हो जाती है. तो गुस्सा तो इसको हर मतलब जब. आंटी जी जैसे कि सबको पता है
जैसे कि सबको पता है कि पारितोष भैया अकेला है। आंटी जी, जैसे कि सबको पता है कि पारितोष भैया दिन पर दिन सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, अगर अगर उन्हें फ्यूचर में किसी लड़की से लव हो जाए और अगर वो दोनों शादी करने की सोचे, तो क्या आप इन दोनों को साथ देंगी या फिर इनके अगेंस्ट रहेंगी? लव हो जाए, अभी तो लव इसको एक ही चीज से है। अभी तो आने वाले 10 सालों में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती। और लव किससे? सिर्फ इससे, पैसे। कर भाई, क्या जानते हो भाई, जो अच्छी चीज नहीं है वैसे। मैं बहुत अच्छी चीज, लव सिर्फ एक चीज से होना चाहिए, वो है अपने काम से। पर काम से जो पैसा है वो बाद में देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली खर्चा कितना करवाता है ये? 100 रुपए। कोई खर्चा नहीं करवाता, सीरियसली। जितना अर्न करता है उतने को ही अपने ही उसको आगे फ्लरिश करने के लिए उसको यूज करता है। हमसे कोई खर्चा नहीं करता, मतलब ही डजंट टेक इवन अ पेनी। आंटी जी, पारितोष भाई को पैदा करने से पहले आपने क्या खाया था? कौवा, तभी इतना कौं 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 बोलता है। आंटी जी, आपको पारितोष भाई के जितने भी सीक्रेट्स पता है सारे बता दो। सारे बता दो, इतना लंबा व्लॉग नहीं होगा। सारे सीक्रेट्स आपको क्या सीक्रेट पता है भाई? नहीं नहीं, सब कुछ पता है। कुछ बताया कोई मैंने? सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, सब कुछ पता है, लेकिन इतना लंबा व्लॉग बना नहीं सकते। इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं कि वो व्लॉग में नहीं बता सकते। आप मेरे पास आओ। व्हाट हैज बीन द हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग द मॉम ऑफ टू यूट्यूबर्स? हर आए दिन सुबह, व्हाट इज अप गाइस, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज पारितोष'स फर्स्ट डे एट स्कूल? बहुत ज्यादा रोया था। और जब वापस आया तो जूता हाथ में, टाई निकली हुई, ठीक है, बाल सारे मुंह पे, और ऐसे करके इसने अपना निक्कर पकड़ा हुआ था। मैंने कहा क्या है, दिखा दे, तो उसके अंदर पॉटी करी हुई थी इसने। नेक्स्ट वन, मोस्ट नोटोरियस थिंग दैट पारितोष हैज एवर डन? अरे बताओ ना, वो तो है अच्छा मोमेंट। नोटोरियस मोमेंट कैसे बताऊं? हेमकुंड साहब गए थे, बाबा जो उस समय 5 साल का था, ठीक है, ठंडा पानी हेमकुंड साहब का, फ्रीजिंग कोल्ड। अब 2-4 अपने रिलेटिव्स भी थे साथ में, तो इसको ये हुआ कि अगर मम्मा मेरे साथ वॉशरूम में आई तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो इसने कहा नहीं मम्मा, आई मैनेज, आई मैनेज। 5 साल का था, लेकिन तभी भी इतनी वो है कि इंसल्ट ना हो जाए। इंसल्ट हो जाएगी, मम्मा अगर पॉटी वॉश करेगी, मेरी शौच कराने आ जाएगी, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो फिर इसने क्या करा, इसने कहा मैं मैनेज कर लूंगा, और वॉशरूम को क्लोज किया। और उसके थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि जिस पिल्लो के ऊपर बैठा था नंगा हो गया, वहां पॉटी, जहां चादर वहां पॉटी, जब मैं वॉशरूम में गई तो वहां पर भी सारी तरफ पॉटी पॉटी थी। तो इसने इस तरह से जो अपनी इंसल्ट को छुपाया। हाँ जी भैया, तो ये जरा ये थोड़ी सीरीज है इन टाइप के क्वेश्चंस की। अच्छा, फायर राउंड? नहीं नहीं, फायर राउंड कुछ नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ये दिल्ली वाली के बारे में आपको कुछ पता है क्या? थोड़ा थोड़ा, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, उससे ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं। तुमको क्या पता? सबसे ज्यादा मेरे को पता है। सबसे ज्यादा तेरे को पता है? Do you feel scared or tensed for Paritosh when he takes such long trips all alone like Goa, Spiti, etc., etc.? Yes. Sorry. Truthfully speaking, हाँ, डर तो लगता है। क्यों? झरने के नीचे आना, और अंडर वाटर जाना, और पानी की टैंकी पे ऊपर चढ़ जाना, बंदरों से लड़ना, बंदरों से नफरत, मतलब बंदरों से दुश्मनी लेना, सो ऐसे करके, मतलब डर तो लगता है। बहुत ही रिस्पांसिबल होना है, डर तो लगता है, इससे डर लगता है। मैं होता तो ना लगता है, मतलब -10 डिग्रीज में चले जाना, और विदाउट एनी वो जो इसके कपड़े होते हैं उनके बिना, और कपड़ों को उतार के अपना ब्लॉग बनाना। हेलो आंटी जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। I just want to say that आपने दोनों बेटों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। They are just love, awesome and a too good human. Lots of love for your family. May God bless you all. Thank you. Yep. So with that question, that is all for the Q&A. I hope you guys enjoyed. I hope you guys had a good time. If you did, make sure you leave a like. Make sure you leave a comment as well. Let me know what was your favorite answer of all. काफी टाइम बाद माँ के साथ बैठ के वीडियो बनाने को मिला है। उनके to explain लो आए। But all I would say is that I am grateful for the present. I am grateful for whatever I have. For whatever's been happening, and
Well, yes. बाकी अगर भाषण सुनना तो मेरे चैनल पे काफी लंबा चौड़ा था यार, इसने कट मार दिया। चलो कट मार दिया बार तक। अभी हम जाते हैं पढ़ने, तुम लोग भी जाओ कुछ काम कर लो, संडे है आराम करो, ठीक है? चलते सपोर्ट करो, चलते हैं।